हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ फेंगशुई के आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके घर में डेकोरेशन के भी काम आ सकते हैं और आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे, सक्सेस में काम आएगा, फाइनेंशियल गेन होगा, गुड लक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ये आइटम हैं। तो मेरे पास कुछ ये आइटम है, ये देखिए। इसे श्री यंत्र कहा जाता है। मैं इसे पूजा के स्थान में रखती हूँ। मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सॉल्व करने में सहायता देता है और नेगेटिविटी को भी दूर करता है। ये क्रिस्टल टर्टल है, ये सिंबल है लॉन्गेविटी का। कहते हैं वृद्ध लोगों को ये गिफ्ट करना चाहिए और बच्चों का यदि पढ़ाई में मन लगे तो उनके स्टडी टेबल में भी रख देना चाहिए। और यदि आप मनी का गुड फ्लो चाहते हैं तो आप लॉकर में भी इसको रख सकते हैं। यदि आपको नींद सही नहीं आती है तो अपने सर के पास साइड टेबल में भी इसको रख सकते हैं। ये लाफिंग बुद्धा है, इनका फेस डोर की साइड में होना चाहिए। मोस्टली चाइनीज लोगों के घर में, ऑफिसेज में, रेस्टोरेंट में लाफिंग बुद्धा मिलेंगे। तो ये एक गुड हेल्थ, सक्सेस, फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल है। इसे क्रिस्टल लोटस कहा जाता है। तो ये सिंबल है ब्यूटी, अट्रैक्शन, लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी। तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? तो इस दिवाली पर आप इन आइटम्स को घर में लाइए, घर की शोभा भी बढ़ाइए और साथ में और कई बेनिफिट्स पाइए। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।